किराएदार को चाहिए कि ये मेरी वीडियो पूरी देखे। मेहनत हर इंसान के अंदर होती है। ऐसा को प्लीज इमरान खान साहब, मेरी ये जो रिक्वेस्ट है उस पर जरूर अमल कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वजीर आजम साहब तक ये बात जानी चाहिए। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग नेक बनाए हैं हमारे लिए, और कोई भी ऐसा किराएदार नहीं है जो ये कहेगा मुझे माफ कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा टीवी। आज मैं नाजरीन की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि हमारा वज़ीर पाकिस्तान जनाब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को राशन दिया जाए। गरीबों के लिए जितना भी हो सकता है इमदाद वो गरीबों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचे। जहाँ तक उन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं और हमारे मोबाइलों पर मैसेज भी आ रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करें या इस नंबर पर अपना अपना मैसेज करें, नाम लिखें, पता लिखे, यूसी नंबर लिखे, ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, ख़ास तौर पे किराएदार को चाहिए कि ये मेरी वीडियो पूरी देखे। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे। सिर्फ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ किराएदारों के लिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इमरान खान साहब, उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जितने भी पाकिस्तान के किराएदार हैं उनकी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा किराएदारों के लिए कोई ऐसे अकामात जारी किए जाएं, ऐसा हुक्मनामा जारी किया जाए, क्योंकि इस जो आफत में है लोग राशन तो चलो आप दे रहे हैं, किसी से मांग कर भी घर से खा लेते हैं, सब हमसाया दे देता है, कोई और आ जाता है। जिस जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वो कोशिश कर रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में हर इंसान के आगे काम आ रहे हैं। और मैं देखता भी हूँ, मेरे चैनल भी काफ़ी क्लिप पड़े होंगे जो आपने देखे होंगे कि लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं जब कोई गाड़ी हमारे यहाँ पे रोड पे रुकती है, किसी चौक में आती है। बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग नेक बनाए हैं हमारे लिए, और पाकिस्तान में नेक आदमियों की कमी नहीं है, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है और लोग कर भी रहे हैं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गरीब आदमी हैं, जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री हैं, ठीक है, जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जो गाड़ियाँ धोकर खर्चा चलाते थे, जो ये बस अड्डों पे जो हाकरी करते थे, बसें धोते थे, वो सबसे ज़्यादा किराएदार हैं और वो सब कुछ बंद हो चुका है। सो प्लीज़ इमरान खान साहब, मेरी ये जो रिक्वेस्ट है उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा कि किराएदारों के लिए, ये नहीं मैं कह रहा कि आप मालिक मकानों को कहें कि किराया छोड़ दें एक माह का, दो माह का, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सी फेवर मिल जाए किराएदारों को कि नेक्स्ट किराए में थोड़े थोड़े करके आप पैसे अदा करते रहें। कोई भी ऐसा किराएदार नहीं है जो ये कहेगा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि गैरत हर इंसान के अंदर होती है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। हालांकि यकीन कीजिएगा, मेरे कज़न कराची में रहते हैं, वो भी किराएदार हैं, और पिछले दिनों उनकी कॉल आई और मुझे वो कहने लगे कि हमारे जो मालिक मकान है उन्होंने कहा इस दफ़ा एक माह का आपने किराया नहीं देना। और मैं ऐसे मालिक मकान को सलूट पेश करता हूँ, और सब ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मालिक मकान है, क्योंकि मैं बेसिकली खुद किराएदार हूँ, मुझे पता है मालिक मकान, काफ़ी ऐसे मालिक मकान है पाकिस्तान में जिनका रोज़गार सिस्टम जो है वो चलता ही किराए पे है। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, बड़े बड़े मकान लिए हुए हैं, वो किराया ही आता है, तो किराए से ही वो सारा अपना सर्किट चलाते हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं, खुद भी सर्वाइव करते हैं। तो मैं ये हरगिज़ ये इस वीडियो का मेरे का ये मकसद नहीं है कि आप किराया माफ़ करवाएं, नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर दे कि उनके दिल में ये डाल दे कि देखिए आप इस मुल्क के बादशाह हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे घर घर जाकर आप राशन तकसीम कर सकते हैं, वैसे एक हुक्मनामा आपका जारी होगा इमरान खान साहब। और जो बहुत ही इस टाइम बेरोजगार, क्या इस टाइम तो घरों में लोग कैद होकर रह गए हैं, यकीन कीजिएगा मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद किराएदार हूँ। हालांकि मुझे पता है कि शायद ये वीडियो देखने के बाद मेरा मालिक मकान ही मुझे कह दे कि तुम भाई घर खाली कर दो, कि तुमने ये कौन सी बात कर दी, हम किराया तुम्हें क्यों माफ़ करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, किराया माफ़ करवाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी फेवर कि यार ये जो आफत आई हुई है हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क में भी
कितने ममालिक में ये आई हुई है, तो खुदारा जो मालिक मकान है उनके लिए कुछ ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया जाए जिससे ये हो कि कम से कम जो किराएदार है उन्हें थोड़ी सी फेवर मिल जाए, अगले किराए जो होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा सा करके वो आपको देते रहेंगे। सो प्लीज़, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। और किराएदार अगर चाहते हैं कि मालिक मकान की तरफ से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ी सी फेवर मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वज़ीरे आज़म साहब तक ये बात जानी चाहिए। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये बात वज़ीरे आज़म साहब या वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब तक ये वीडियो गई तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हुक्मनामा ज़रूर जारी होगा जिससे ये किराएदार मेरे बहन भाई जितने भी हैं वो शायद थोड़ी सी फेवर उन्हें मिल जाए। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।